हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड अंकल एग्जाम बुलेटिन। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि एवरी वीक वी कम विद अ वीडियो टेलिंग यू अबाउट द लेटेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई उड़ती उड़ती खबर हो। हम हर तरह की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आज बात करते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो CSIR नेट की तरफ से आ गया है। तो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए भी एक खबर है, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है या फिर क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए भी एक खास खबर है। हाय, आई एम श्रुति जैन, योर एड अंकल एग्जाम मेंटर। तो अगर आप साइंस रिलेटेड किसी भी हायर एजुकेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि CSIR नेट, IIT जैम, गेट एक्सेट्रा, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड फॉर ऑल्सो लेटेस्ट अकेडमिक लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टीज। तो पहले जो न्यूज़ है वो ये है कि CSIR नेट ने ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दूसरे सेक्शन में हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स के तरफ से हमारे पास हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पर लगातार आते रहते हैं। तो इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि CSIR नेट के एग्जाम्स कब होंगे और इसके फॉर्म्स कब आएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई डाउट है या फिर कोई कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसे अपने अपकमिंग वीडियो में एड्रेस कर सकें। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एग्जैक्टली CSIR नेट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है। एज यू ऑल कैन सी इन दिस स्क्रीनशॉट, इट इज क्लियरली मेंशनड हियर दैट व्हाट ऑल थिंग्स रिक्वायर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दिस नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ HRDG। जी हाँ, so as you all know that CSIR and UGC NET releases their certificates separately, so this notification is from CSIR only for JRF plus LS candidates and JRF only candidates। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, those candidates whose name have been listed in part 1 of the result, that is fellowship plus lecturership and only fellowship, उन्हीं के लिए ये notification है एंड आगे की डिटेल में बात भी हम उन्हीं के लिए करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दैट यू हैव टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ भेजने हैं इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सेकेंड इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ एंड थर्ड इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो चलिए अब इन तीनों पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फॉर अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यू हैव टू सेंड 10th बोर्ड की मार्कशीट, ओके। देन सेकेंडली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ यू हैव टू सेंड दीज फोर थिंग्स विच आर लिस्टेड फ्रॉम 2nd to 5th पॉइंट। फर्स्ट MSc या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री, सेकेंड फाइनल मार्कशीट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, थर्ड अगर आपने कोई ड्यूअल डिग्री की है तो उसके बाइफोकेशन ऑफ मार्क्स की कॉपी, एंड फोर्थ आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन फॉर्मूला की कॉपी, एंड थर्डली विच आई सेड इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। फॉर दैट यू हैव टू सेंड, अच्छा हाँ, अगर आप SC, ST, EWS एक्सेट्रा या फिर इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भेजना होगा। एक बार फिर गौर फरमाइएगा, आपको इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ही भेजनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर के साथ certificate@csirhrdg.res.in पर मेल कर दीजिए। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। सो दोज कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर अपॉन वेरिफिकेशन कैन लेटर डाउनलोड देयर ई सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CSIR। सो दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी, या फिर मैं कहूँ जो अभी फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर ओनली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ देयर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आया है। तो उनका ई सर्टिफिकेट
यूजीसी की तरफ से रिलीज होना है. सो दोज पीपल कैन कॉन्टैक्ट यूजीसी और एनटीए डायरेक्टली. नाउ कम्स द टाइम फॉर द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीक दैट सेज सीएसआईआर का फॉर्म कब आएगा और इसके एग्जाम्स कब होंगे. सो ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्जाम, हमें कॉन्स्टेंट क्वेरीज आ रही है कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएंगे, प्रिपरेशन कैसे करें और क्या यूजीसी की तरह ही जून में एग्जाम होगा. तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर में एक सीएसआईआर का ऑफिशियल ट्वीट आया था और आप जैसा स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं उस पर लिखा है कि 2022 में 3 बार एग्जाम्स होंगे. तो इसके अकॉर्डिंग आपका अंदाजा लगभग सही है और इस बार जून एंड में एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल्दो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो सिर्फ 30 से 40 दिन लगते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए और उसके अकॉर्डिंग अप्रैल एंड या फिर फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ मई में फॉर्म्स आ जाने चाहिए. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आती है तो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. और रही बात आपकी प्रिपरेशन की, तो सिर्फ उसमें 2 से 2.5 महीना बचा है. क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, ये एक कांस्टेंट पैनिक बना रहता है. तो इसके रिगार्डिंग यू डोंट हैव टू वरी. तो इसके लिए एड अंकल की तरफ से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर द अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्जाम. जी हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस एंड पार्ट ए ऑफ द एग्जाम, इन सभी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो तुरंत अपने आप को एनरोल कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. So in our upcoming video, we will talk about the last month strategy for the preparation of any of the CSIR NET related exam. इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी doubt है या फिर कोई भी question है तो drop it in our comment box so that we can address it in our upcoming video. Till then, like the video, subscribe the channel and with Ed Uncle, करो life की तैयारी.